Hello everyone and welcome back for another video. In this video, we'll be specifically discussing about the top 10 engineering colleges in the electronic city or the software capital of India, which is Bangalore. आज हम बैंगलोर के टॉप 10 कॉलेजेस के बारे में बात करने वाले हैं और कुछ कुछ आपको ऐसा शौक भी सामने आएंगे जिनके रिसेंट में प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स बहुत ज्यादा सुधर गए हैं. Now, a point of disclaimer. IISc Bangalore is undoubtedly India's number one college. But the fact is that in this video, we are discussing the top 10 engineering colleges in Bangalore. Now, the question stands, is IISc an engineering-oriented college? No. IISc is a research-based institute, jo ki aapka preference jo hai, research ko deta hai, engineering ko nahi. So, isiliye, aaj ke is video mein IISc nahi hai. To jitne bhi log comment karna chahte hai ki yaar IISc इंजीनियरिंग का ही नहीं बट इंडिया के टोटल सारे स्ट्रीम्स मिला के बेस्ट कॉलेज है, नो डाउट, आई अग्री विद दैट. बट इन दिस वीडियो वी आर स्पेसिफिकली डिस्कसिंग अबाउट द टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ बैंगलोर एंड नॉट इन ओवरऑल. ठीक है, सो नो प्राइजेस फॉर गेसिंग एज बैंगलोर डज नॉट हैव एन IIT और एन NIT. द नंबर वन कॉलेज ऑफ बैंगलोर इज अनडाउटेडली IIIT बैंगलोर. नाउ द मेन प्रॉब्लम विद IIIT बैंगलोर इज दैट IIIT बैंगलोर डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक BTech कोर्स. इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ BTech प्लस MTech का कोर्स मिलता है. बट द बिगेस्ट प्रो ऑफ IIIT बैंगलोर इज दैट इट हैज नो रिजर्वेशंस व्हाटसोएवर. ठीक है, इसमें 0% रिजर्वेशन पॉलिसी है और जो कट ऑफ आपके जनरल कैंडिडेट्स के लिए है, वो ही आपके ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, एससी एसटी सबके लिए एक ही कट ऑफ आपको यहाँ पे मिलती है. ठीक है, सो एडमिशन आर कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ JEE मेन्स एंड IIIT बैंगलोर ऑफर्स ओनली एंड ओनली इंटीग्रेटेड BTech प्लस MTech प्रोग्राम्स. जो हाईएस्ट पैकेज था IIIT बैंगलोर का दैट वॉज 54 LPA एंड द लोएस्ट पैकेज बींग ऑफर्ड वॉज 10 LPA. आप समझ सकते हो जब आपका लोएस्ट पैकेज फिगर ही एक 7-digit सैलरी है तो कॉलेज कितना बढ़िया प्लेसमेंट आपको दिलाता है. ओके, एंड द एवरेज पैकेज ऑफर्ड वाज अबाउट 17.5 LPA. द टॉप रिक्रूटर्स, जितने भी टॉप रिक्रूटर्स हैं आपके टॉप मोस्ट कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, Amazon हो गया और आपका सिस्को हो गया. ठीक है, अब अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, बहुत ही छोटा कैंपस आपका 9 acres का, ऐसा कि शुरू हो गया और खत्म हो गया भाई. हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार. ऐसा आपका कॉलेज है बट स्टिल इट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज लाइक लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड लैब्स, कैंटीन, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, उसके बाद जिम, 24/7 वाईफाई कनेक्शन, स्मार्ट क्लासरूम्स एंड हॉस्टल्स विद मेस ऑफरिंग गुड क्वालिटी फूड. गुड क्वालिटी फूड आज के टाइम पे किसी भी NIT IIT IIIT में मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट IIIT बैंगलोर इज अलाउिंग यू एक्सेस टू वेरी गुड क्वालिटी फूड. ठीक है, ये बात हो गई IIIT बैंगलोर की. IIIIT बैंगलोर आपको मिल रहे हैं JEE मेन के थ्रू, बट मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस जो कि आज अपन डिस्कस करने वाले हैं वो आपको मिलेंगे किसके थ्रू, KCET और COMET के थ्रू. KCET इज बेसिकली कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो कि आप दे सकते हो इनकेस आपने अपना +2 किया है कर्नाटका से. ठीक है, +2 यानी कि क्लास 12th हो गया आपका, जिनको कॉमन लैंग्वेज में क्लास 12th समझ में आते हैं उनके लिए. एंड द सेकेंड एग्जाम इज कॉमेट के. कॉमेट के स्टैंड फॉर बेसिकली कंसोर्टियम ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग एंड डेंटल कॉलेजेस ऑफ कर्नाटका, और ये वो लोग दे सकते हैं जो लोग बेसिकली कर्नाटका के बाहर रहते हैं. एंड दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट यू नो ऑल दिस कॉलेजेस कि आपको यहाँ पे दो दो एग्जामिनेशन मिलते हैं KCET और कॉमेट के, डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ रहते हो. एंड माइंड यू, दिस इज वन ऑफ द ईजिएस्ट एग्जामिनेशन दैट यू कैन फेस इन द इंजीनियरिंग अरीना. आपको इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव अरीना में जब आप घुसने की कोशिश कर रहे हो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, कॉमेट की एंड KCET आर टू ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट यू नो एंट्रेंस एग्जामिनेशन दैट यू कैन फेस. तो इस चीज का आप दिमाग में रखो कि यार जब आप इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, द ओनली थिंग, द ओनली पैरामीटर ऑन विच यू आर गोइंग टू बी जज्ड इज योर कंसिस्टेंसी. आप कंसिस्टेंटली कम टाइम में प्रेशर के अंदर आप कितना स्कोर कर पा रहे हो जल्दी जल्दी, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा आसान है. आप सोच रहे हो JEE के लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल भी नहीं. JEE के लेवल से भी कम से कम 2 levels नीचे के क्वेश्चन आते हैं. मैं JEE मेन्स की बात करूँ, JEE एडवांस तक की भी नहीं. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कंसिस्टेंटली आप ना कुछ मॉक्स दे दो कॉमेट के और KCET के, तब आपको फायदा मिल जाएगा इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में. ठीक है, सो नाउ द सेकंड कॉलेज इन आवर लिस्ट टुडे इज RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग. एडमिशंस आर डन ऑन द बेसिस ऑफ कॉमेट के. ठीक है, जितने भी आउटसाइड कर्नाटका स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, एंड KCET जितने भी आप कर्नाटका बेस्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वाया KCET. ठीक है, द हाईएस्ट पैकेज ऑफर्ड वॉज 47 LPA एंड द एवरेज पैकेज ऑफर्ड वॉज अ डिसेंट 14 LPA. यहाँ पे द लोएस्ट पैकेज रेंज अप टू 3 LPA, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, तो लोअर ब्रांचेस की जो प्लेसमेंट है वो 3 LPA तक भी गई है. नाउ द टॉप रिक्रूटर्स इंक्लूडेड मिंत्रा,
डेलॉयट, मोटोरोला, मैकेंजी, स्विगी, अमेजॉन, सिटी बैंक, सैपलैब. सिटी बैंक इज अ कंपनी जहाँ मेरी प्लेसमेंट खुद लगी थी. सो दैट कंपनी बेसिकली गोज टू आर वी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ऑल्सो. अगर मैं इंफ्रा की बात करूँ तो कॉलेज हैज अ वेरी स्मॉल 16.85 एकड़ कैंपस एंड इट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज लाइक लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड लैब, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, हॉस्टल्स एंड हॉस्टल्स यहाँ पे लिमिटेड आपको मिलते हैं. तो ऑब्वियसली मेरे जितने भी दोस्त हैं जो यहाँ के टॉप कॉलेज में पढ़े हैं जैसे रमैया हो गया, आरवी हो गया, उनमें से कुछ लोगों के पास ऐसा भी लिबर्टी रहता है कि वो बाहर में जाके एक पेइंग गेस्ट की तरह भी रह सकते हैं. सो दैट इज ऑल्सो वन अपॉर्चुनिटी. हॉस्टल यहाँ पे लिमिटेड है बट उसके लिए आपको काउंटर पे चीजें मिल भी रही है जो कि आप एक्सेस कर सकते हो. एंड द मेस फूड इज डेफिनेटली नॉट दैट गुड जितना अपन ने पिछले कॉलेजेस में एक्सपेक्ट किया था. कैंटीन प्रोवाइड्स गुड क्वालिटी फूड एंड वाईफाई फैसिलिटीज ऑल्सो अवेलेबल देयर. ये हो गया आरवी कॉलेज के बारे में बात. नाउ द थर्ड कॉलेज इन द अरीना टुडे इज MS Ramaiah Institute of Technology. Admissions are again conducted on the basis of KCET or Comet K scores and the highest package offered was 25 LPA and the lowest package offered was 5 LPA. यहाँ पे 5 LPA से कम में नौकरी किसी के नहीं लगती है. The average package offered was 7 LPA and the top recruiters included Morgan Stanley, JP Morgan and Chase, Paytm, PhonePe, Amazon, Intuit, Adobe, Cisco etc. ये आपके यहाँ के टॉप रिक्रूटर्स हैं. और जो अगर मैं इंफ्रा की बात करूँ इसका भी एक बहुत ही छोटा कैंपस है 25 एकड़ का एंड इट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज लाइक लाइब्रेरी, वेल इक्विप लैब, स्मार्ट क्लासरूम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कैफेटेरिया, जिम, वाईफाई कैंपस एंड हॉस्टल्स. ठीक है, हॉस्टल्स की अगर मैं बात करूँ थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव है बट यहाँ की जो मेस फैसिलिटीज है वो यहाँ पे काफी डिसेंट है. अगर मैं कंपेयर करूँ आरवी से रमैया के जो मेस कंडीशंस है वो काफी ज्यादा बेटर है. यार बहुत से लोग मुझे पूछ रहे थे एक परफेक्ट रिकमेंडेशन के लिए क्योंकि वो लोग अभी एग्जामिनेशन दे रहे हैं जे मेन्स और जे एडवांस का, लेकिन उसके साथ साथ वो लोग और भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं. फॉर एग्जांपल केसीईटी हो गया, कॉमेट के हो गया, मे बी दे माइट बी अपीयरिंग फॉर एन एग्जामिनेशन लाइक एमएसटीसीटी और डब्ल्यूबीजेई, और दे माइट बी अपीयरिंग फॉर एग्जामिनेशन फॉर द एंट्रेंस इन वी आई टी एंड एस आर एम, दैट इज वी आई टी ट्रिपल ई एंड एस आर एम जे ट्रिपल ई. तो अगर आप ये सारे एग्जामिनेशन दे रहे हो और अगर आपको कोई भी हेल्प की जरूरत है, प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है फॉर एडमिशन इन टू दीज इंजीनियरिंग कॉलेजेस, तो आई हैव गॉट द परफेक्ट रिकमेंडेशन फॉर ऑल ऑफ यू विच इज कॉलेज स्टोरिया. आप मान लीजिए किसी भी टॉप कॉलेज इन बैंगलोर के बारे में सोच रहे हैं एडमिशन के लिए, फॉर एग्जाम्पल आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हो गया, फॉर एग्जाम्पल रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, या फिर उसके अलावा अगर मैं बात कर सकता हूँ NHCE हो गया, या फिर हो गया आपका दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग. इसके अलावा मान लीजिए आप और भी कॉलेज के लिए एस्पायर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल द टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन महाराष्ट्र विच हैपन टू बी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, या फिर हो गया आपका DY पाटिल यूनिवर्सिटी, या फिर आपका हो गया वहाँ पे KJ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जैसे और तमाम कॉलेजेस, या फिर आप सोच रहे हो किसी भी टॉप कॉलेज इन तमिलनाडु में एडमिशन लेने का, फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया SRM यूनिवर्सिटी, VIT वेल्लोर, या फिर आप सोच रहे हो शास्त्रा में एडमिशन लेने का, या फिर और भी जितने कॉलेजेस आपके तमिलनाडु में. अगर आपको इन कॉलेजेस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर अगर आपको इन कॉलेज से रिलेटेड कोई भी एडमिशन के रिलेटेड डाउट है, यू कैन ऑलवेज रेफर टू कॉलेज स्टोरिया. कॉलेज स्टोरिया इज बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड एजुकेशन कंसल्टेंट्स इन दिस फील्ड. आप आराम से इनके वेबसाइट में जाके इनका पूरा वेबसाइट चेक कर सकते हैं, जितने भी इंफॉर्मेशन आपको उस वेबसाइट से मिलेंगे. वेरी डाउटफुल कि आपको और किसी वेबसाइट से इतनी हेल्प मिलने वाली है. मैंने उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी देके रखा है, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट देम फॉर एनी पर्पजेज, एडमिशन हो गया या फिर कोई क्वेरी हो गई, यू कैन ऑलवेज पिंग देम एंड गेट टू नो द यू नो ऑल द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दीज गाइज. दीज गाइज आर वेरी प्रोफेशनल, आई हैव नोन देम फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम. अगर मान लीजिए आपके KCET, कॉमेट के, MSTCET, VIDEEE या फिर SRM JEE के एग्जामिनेशन में रैंक उतनी अच्छी नहीं बन रही कि हमको टॉप ब्रांच या फिर कोई भी ब्रांच मिल सके, देन ऑल्सो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट देम ताकि आपको वहाँ पे एडमिशन के लिए कोई भी आपको कंसल्टेंसी की नीड्स हो, ये आपकी पूरी नीड को खत्म कर सकते हैं. ठीक है, तो आप आराम से जाइए, मेरा एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी देके रखा है और उसके साथ साथ मैंने आपको यहाँ पे इनके वेबसाइट का लिंक भी देके रखा है. वहां पे भी जाके आप जितने भी चीजें हैं, जितने भी आपके डाउट्स हैं, जितने भी क्वेरीज हैं, उनको आप सेटिस्फाई कर सकते हो और उसके बाद अपने लिए एक बेस्ट इन्फॉर्म्ड चॉइस ले सकते हो. ठीक है, नाउ गेटिंग बैक टू द वीडियो. नाउ द फोर्थ कॉलेज इन आवर रडार टुडे हैपेंस टू बी PES यूनिवर्सिटी. नाउ द एडमिशंस टू PES यूनिवर्सिटी आर एक्सक्लूसिवली थ्रू PESAT एंड KCET. तो आपका जो PES यूनिवर्सिटी है वो एक अलग से एग्जामिनेशन भी कंडक्ट कराता है जितने भी आपके आउटसाइड कर्नाटका के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, दैट इज PESAT. नाउ द प्लेसमेंट्स ऑफ PESAT आर एक्चुअली वेरी गुड. द हाईएस्ट पैकेज ऑफर्ड वॉज 50 LPA एंड द एवरेज पैकेज ऑफर्ड वॉज 12 LPA. जितने भी आपके टॉप रिक्रूटर्स थे वो थे आपके
माइक्रोसॉफ्ट, एमेजॉन, गोल्डमैन सैक्स, सिस्को, इंटीट्यूट, मॉर्गन स्टैनली एटसेट्रा। 6 बच्चों को यहाँ से जॉब ऑफर मिला था माइक्रोसॉफ्ट से। अगर मैं यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ कॉलेज का, यहाँ पे भी एक छोटा कैंपस है 25 एकर्स का। इट प्रोवाइड फैसिलिटीज लाइक लाइब्रेरी, लैब्स, कैंटीन, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, हॉस्टल्स विद मेस प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी ऑफ फूड, वाईफाई कैंपस और ऑडिटोरियम एटसेट्रा। यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाती है। नाउ द 5th कॉलेज इन रडार टुडे हैपेंस टू बी बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। द एडमिशंस आर डन ऑन द बेसिस ऑफ केसीईटी एंड कॉमेट के। अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूँ, ऑलमोस्ट 99% ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट प्लेस, यानी कि 99% जो स्टूडेंट्स जो एलिजिबल रहते हैं प्लेसमेंट के लिए, उनकी प्लेसमेंट पिछले साल भी लग गई थी। द हाइएस्ट पैकेज ऑफर्ड वॉज अ वूपिंग 50 LPA एंड द एवरेज पैकेज वॉज 8 LPA। The top recruiters here include companies like GS, Deloitte, Seagate, IBM, Bosch, Atlassian, etc. Atlassian वही कंपनी है जो आपका 50 लाख का पैकेज यहां पे देते हैं, जो हाईएस्ट पैकेज है बेसिकली, वो Atlassian नाम की कंपनी ने यहां पे भी दिया था। अगर मैं इंफ्रा की बात करूं कॉलेज का, यहां पे भी एक बहुत ही छोटा कैंपस है 12 एकर का, और यहां पे इट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज लाइक लाइब्रेरी, हॉस्टल्स विद मेस प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी फूड, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लैब्स, कैफेटेरिया ऑफरिंग गुड क्वालिटी ऑफ फूड, जिम, और यहाँ पे पूरा ये वाईफाई एनेबल्ड कैंपस है। नाउ द 6th कॉलेज इन आवर रडार टुडे हैपेंस टू बी बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एडमिशन यहाँ पे वापस आपके केसीटी और कॉमेट के थ्रू है। अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूँ, अराउंड 90% ऑफ द एलिजिबल स्टूडेंट्स गॉट प्लेस लास्ट ईयर, और यूजुअली यही ट्रेंड फॉलो होता है इनके हर एक एकेडमिक ईयर में। द हाइएस्ट पैकेज ऑफर्ड वॉज 20 LPA एंड द एवरेज पैकेज ऑफर्ड वॉज 6.5 LPA। जितने भी यहाँ के टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज थे वो थे बॉश, गोल्डमैन सैक्स, ओरेकल, डेल, टेक महिंद्रा, अडोबे और जेपी मॉर्गन। अगर मैं इंफ्रा की बात करूँ तो कॉलेज हैज अ स्मॉल 5 एकर कैंपस। इट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज लाइक लाइब्रेरी, लैब्स, हॉस्टल्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ऑडिटोरियम, कैफेटेरिया। ठीक है, तो कैंपस का साइज भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा छोटा है। एक गुड इंफ्रास्ट्रक्चर अकोमोडेट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन तब भी जो यहाँ पे जो फूड सर्व हो रहा है यहाँ के मेसेस में, यहाँ के कैफेटेरियाज में, वो एवरेज है एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। ना बहुत अच्छा है ना बहुत खराब है। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा स्मॉल कैंपस है होने की वजह से नो सोशल और इवन नॉर्मल कॉलेज एक्टिविटीज होना भी, यू नो, अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि उतने जो कॉलेज गैदरिंग्स होते हैं वो भी उतने पॉसिबल नहीं है। और यू नो, जब इतना छोटा कैंपस है उनको अकोमोडेट करना है बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए सोशल लाइफ भी यहाँ पे थोड़ी सी डिमिनिश होती हुई हमको दिख रही है। द 7th कॉलेज इन आर रडार टुडे हैपेंस टू बी दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और DSCE। एडमिशंस आर डन ऑन द बेसिस ऑफ केसीईटी एंड कॉमेट के। अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूँ, जो हाईएस्ट पैकेज था वो था 33 LPA और जो एवरेज पैकेज था वो था आपका 7 LPA। जितने भी आपके टॉप रिक्रूटर्स थे वो थे अमेजॉन, ओरेकल, एक्सेंचर, कॉग्निजेंट, IBM एटसेट्रा। ठीक है, तो ये दो कंपनीज बेसिकली जब रिक्रूट करते हैं दैट यूजुअली कम्स अराउंड द मास रिक्रूटर सेक्शन। ठीक है, मास रिक्रूटर्स का एक ही मतलब होता है, ज्यादा बच्चे उठाओ बल्क में, सस्ते में। जैसे मान लो आप ग्रोसरी स्टोर में आते हो, आप बहुत सारा सामान लेते हो, अगर आपको वहां पर डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, तो सिमिलरली अगर ये कॉलेजेस में, अगर ये आपके कंपनीज आते हैं मास में बच्चे उठाते हैं, तो उनको ऑब्वियसली कम पैकेज में उठाने का मौका मिलता है। ठीक है, अगर मैं इंफ्रा की बात करूँ, यहाँ पे भी एक बहुत ही छोटा कैंपस है 30 एकड़ का। इट प्रोवाइड्स गुड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लाइक लाइब्रेरी मिल जाएगा आपको यहाँ पे, वाईफाई एनेबल्ड कैंपस है ये, स्मार्ट क्लासरूम्स हो गया, लैब्स, हॉस्टल्स विद मेस प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी ऑफ फूड, कैफेटेरिया एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एटसेट्रा। नाउ द 8th कॉलेज इन आवर लिस्ट टुडे हैपेंस टू बी न्यू होराइजन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और NHCE। एडमिशंस आर डन ऑन द बेसिस ऑफ KCET एंड द हाईएस्ट पैकेज ऑफर्ड वाज 23 LPA एंड द एवरेज पैकेज वाज अ डिसेंट इन ऑफ 6 LPA। टॉप रिक्रूटर्स इंक्लूड बॉश, क्लास मेथड, एनोटेशन, GSOL कॉर्पोरेशन, रेशो, उसके बाद हो गया आपका एम्बिशन कॉर्पोरेशन और लोवेज इंडिया, कॉग्निजेंट और इन्फोसिस। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो दो मास्टर रिक्रूटर कंपनीज तो आई रही है प्लेसमेंट स्टैट्स को इम्प्रूव करने के लिए। अगर मैं इंफ्रा की बात करूँ, बहुत ही छोटा 11 एकड़ का कैंपस है NHCE में। इट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज लाइक लाइब्रेरी, लैब्स, हॉस्टल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, कैफेटेरिया। ओवरऑल द कॉलेज हैज अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। जितना छोटा आपका यहाँ पे कैंपस है उस हिसाब से भी अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे गुड इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रही है, यानी कि काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट है चीजें, बट तब भी फैसिलिटीज यहाँ पे आपको दी जा रही है। द 9th कॉलेज इन आवर लिस्ट टुडे हैपेंस टू बी नीति मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे अगेन एडमिशन आपको KCET और कॉमेट के थ्रू मिल रही है। प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ, हाईएस्ट पैकेज है 33 LPA और जो एवरेज पैकेज है वो है 5 LPA। टॉप रिक्रूटर्स की बात करूँ, बॉश हो गया, न्यूटेनिक्स हो गया, अमेजोन हो गया, विप्रो हो गया, TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया। तो आप वापस से देख सकते हो जो मास रिक्रूटर्स है
वो यहाँ पे गेम में आ ही जा रहे हैं। अगर मैं इंफ्रा की बात करूँ, 23 का कैंपस है, प्रोवाइड फैसिलिटीज लाइक लाइब्रेरी, लैब, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, हॉस्टल विद मेस प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी ऑफ फूड, जिम और कैफेटेरिया। ओवरऑल रिव्यू ऑफ दिस कॉलेज इज सैटिस्फैक्ट्री, नॉट दैट ग्रेट, नॉट दैट वर्स ऑल्सो। ठीक है, नाउ द 10th कॉलेज इन आवर लिस्ट इज BMS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। नाउ यू गाइस माइट हैव अ डाउट, जो 10th कॉलेज है वो है BMS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, और जो 5th कॉलेज था जो हमने डिस्कस किया था वो था BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। नाउ इन दिस कॉलेज बेसिकली द एडमिशन आर अगेन डन ऑन द बेसिस ऑफ KCET और कॉमेट के। KCET फॉर द कर्नाटका बेस्ड स्टूडेंट्स एंड कॉमेट के फॉर द आउटसाइड कर्नाटका बेस्ड स्टूडेंट, जिन्होंने प्लस टू कर्नाटक से किया या फिर बाहर से किया है। अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूं, हाईएस्ट पैकेज वाज एन इंप्रेसिव 26.5 LPA एंड द एवरेज पैकेज वाज यूजुअली अराउंड 6 LPA। टॉप रिक्रूटर्स की बात करूं, एडोबे आ गया, माइक्रोसॉफ्ट आ गया, डेलॉइट आ गया, बॉश आ गया, डेल आ गया, KPMG आ गया, TCS, कॉग्निजेंट। तो वापस यहां पे आपके मास रिक्रूटर्स का दबदबा यहां पे भी है। अगर मैं इंफ्रा की बात करूं, कॉलेज हैज अ 25 एकड़ कैंपस, इट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज लाइक लाइब्रेरी, लैब्स, हॉस्टल्स विद मेस प्रोवाइडिंग गुड फूड ऑफ क्वालिटी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कैफेटेरिया, जिम, वाईफाई एनेबल्ड कैंपस एंड ऑडिटोरियम। तो ये थे हमारे आज के टॉप 10 कॉलेजेस। जो एक चीज मैंने कॉमन पाई इन सारे कॉलेजेस में वो ये था कि यहाँ के जो प्रोज है, अगर आपको मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर बेस्ड इंटर्नशिप या फिर किसी भी एनालिटिक्स प्रोफाइल में आपको इंटर्नशिप करनी है, क्योंकि आप कर्नाटका के स्टूडेंट हो, बैंगलोर के स्टूडेंट हो स्पेसिफिकली, तो आपको यहाँ पे बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है, क्योंकि कर्नाटका आपके इंडिया का सॉफ्टवेयर कैपिटल या फिर आपका बोल सकते इलेक्ट्रॉनिक जो हब है वो कर्नाटका में बैंगलोर ही है, और रैदर इंडिया में बैंगलोर ही है। तो यहाँ पे इंटर्नशिप लगाना बहुत ज्यादा आसान है और इन्फ्लुएंस भी रहता है सॉफ्टवेयर कैपिटल होने का। बट द मेन ड्रॉबैक विथ यू नो बैंगलोर बीइंग द होस्ट सिटी ऑफ दीज कॉलेजेस इज दैट यहाँ के जो कैंपस एरियाज है, आपको हार्डली कोई कैंपस दिखा होगा यहाँ पे जो 50 एकड़ से ज्यादा होगा। लेकिन अगर अपन टॉप IITs की बात करें, टॉप NITs की बात करें, एवरी कॉलेज हैज अ यू नो कैंपस एरिया ऑफ मोर देन अबाउट 100 एकर्स, 200 एकर्स, सम NITs एंड सम यू नो IITs इवन हैव अ कैंपस एरिया ऑफ मोर देन 800, 900 और मे बी 1000 एकर्स। ठीक है, तो ये बात है कि सोशल लाइफ में थोड़ा बहुत हिट पड़ता है, बट तब भी अगर आपको एक अर्बन एरिया में कॉलेज लेना है तो थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज आपको करना ही पड़ेगा। बट नो डाउट जो आपका स्किल्स है, जो आपके अगर कोडिंग स्किल्स एकदम टॉप नॉच लेवल के हैं, बैंगलोर में होने का फायदा आपको बहुत ज्यादा मिलता है, अगर आप उसको यू नो एब्जॉर्ब कर सकते हो तब। ठीक है, अगर आप एक नॉन टेक बैकग्राउंड से हो कर्नाटका, और बेसिकली बैंगलोर माइट नॉट ऐड दैट मच वैल्यू, बट स्टिल अगर आप सॉफ्टवेयर बेस्ड प्लेसमेंट या फिर एनालिटिक्स बेस्ड प्लेसमेंट के लिए देख रहे हो, बैंगलोर में होने का फायदा बहुत ज्यादा है, इन केस आप उस एडवांटेज को मोल्ड कर सको। ठीक है, सो दिस वॉज माई वीडियो, उम्मीद करते हैं ऐसे और भी वीडियोज आपके लिए अपन लाते रहेंगे। बट टिल देन थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।